हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये 6 हिंदी मीडियम साइंस की क्लास में फिर से आपके साथ में। लेसन आपका 4 चल रहा है बेटा। लेसन 3 आपका पूरा, लेसन 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका और लेसन 4 आपका चल रहा है। आपने आप ये बोलते हैं मैम होमवर्क आपका हर दिन यही रहता है। जो आप क्लास में करवाती हूँ मैं, जो समझाती हूँ, उनसे कितनी बार बोला है आपको वीडियो सुनकर उसे कॉपी में लिखें। ये नहीं कि जैसा बोर्ड पे लिखा है वैसा आप लिखो, उसको कुछ और अच्छे से डिटेल में और थोड़ा सा समझा के उसे करिए, ताकि जैसे जितनी बातें आपको मैं बताती हूँ वीडियो के अंदर, उसको तो आप बार बार सुन सकते हो ना, क्या उदाहरण ले रही हूँ, तो आप उनके उदाहरण बताओ, लिख के उसको बताओ, समझाओ। तो ये तो आप देखो कि क्या मैम बता रही है, तो इसीलिए आपको वीडियो देखना ध्यान से पड़ता है। तो इसमें और लेसन 1, 2, 3 के एक्सरसाइजेस के लिए मैंने आपको बोला है कि वो एज ए PDF भेज दूँगी। अब लेसन 4 का बात करें, तो लेसन 4 आपका स्टार्ट किया था मैंने लास्ट वीडियो में। इसमें आपका लेसन का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। इसमें अपन ने अभी यही पढ़ा था वस्तुओं के समूह बनाने में, कि मैंने आपको ये बताया था कि जो वस्तुएं अपने आसपास दिखाई देती हैं वो बहुत तरीके की होती हैं, और अगर हम देखें तो उनका एक समूह बन सकता है। जैसा कुछ जो है प्लास्टिक की होती हैं वस्तुएं, कुछ कांच की होती हैं, तो कुछ किसी और चीज़ की भी बनी होती हैं। जैसे आप मान लो मिश्र धातु की बनी होती हैं, कोई स्टील की बनी होती है, कोई लोहे की बनी होती है, कोई शीशे की बनी होती है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो कई तरह की आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखती हैं, और वो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से निर्मित होती हैं, जिनके आपस में गुणधर्म जो है अलग अलग होते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था दो कैटेगरीज आती है लास्ट वीडियो में, कि या तो एक ही पदार्थ से निर्मित होंगे या दो तरह के पदार्थ से निर्मित होंगे। अगर एक ही प्रकार के पदार्थ से निर्मित होंगे, तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये बोला था कि जैसे आपका है कि एक कुर्सी आपकी प्लास्टिक की है, ठीक है, एक ही पदार्थ से निर्मित है, तो एक प्लास्टिक की कुर्सी और एक प्लास्टिक की बाल्टी है। तो वस्तु तो दो है, लेकिन वो निर्मित जिनसे हुई है पदार्थ वो एक है, यानी वो है प्लास्टिक। तो आपकी कुर्सी और जो बाल्टी, वो दोनों आपके प्लास्टिक के हैं। तो वस्तु तो दो अलग अलग हैं जिनके अलग अलग उपयोग हैं, लेकिन वो बनी पदार्थ एक ही पदार्थ से है। बनी एक ही पदार्थ से है, यानी किससे मिलकर बनी है, वो प्लास्टिक से। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों से निर्मित। अब इसमें आप जैसे एक ही वस्तु लो, कुर्सी, तो वो संख्या में दो। एक कुर्सी आपकी प्लास्टिक की हो तो एक कुर्सी आपकी लकड़ी की हो, तो दोनों ही कुर्सियों की ये विशेषता है कि वो दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से निर्मित। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये समझा सकते हैं बेटा कि पदार्थ जो है आपका एक ही पदार्थों का, आप कई वस्तुओं का समूह, एक ही पदार्थ के आधार पर कई वस्तुओं का समूह बना सकते हैं। तो कई वस्तुओं के समूह पर आप एक ही पदार्थ को दिखा सकते हैं। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना मैंने जो बोली। अब आज का टॉपिक लेते हैं, आज का वस्तुओं के समूह बनाने में टॉपिक है पदार्थों के गुण। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है, पदार्थों के गुण में क्या क्या गुण होते हैं पदार्थ के, उनके आधार पर हम वर्गीकरण देखेंगे। तो इसमें मैंने आपको यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे हैं, तो 5 पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आकार। आकार में जैसे आपकी आकार में अगर देखा जाए तो वस्तु में आपकी कैसी होती है, देखिए एक होती है गोल, जैसे आप कहते हो ये वस्तु गोल है, चौकोर है, ठीक है, या त्रिभुजाकार है। तो एक तो ये हो गई, और एक आकार की दृष्टि से होती है जैसे बड़ी छोटी, तो ये हो गई। तो आकार के आधार पर आपका इस तरह से विभाजन है, तो यानी
एक तरीके से आकार के आधार पर आप वर्गीकरण ऐसे कर सकते हो कि कोई पदार्थ गोल है तो कोई चौकोर है तो कोई त्रिभुजाकार है, ठीक है। इसी तरह से कोई आपका पदार्थ बड़ा है तो कोई छोटा है, या कोई पदार्थ बड़ी आपको साइज़ में बड़ी दिखाई दे रही है तो कोई छोटी दिखाई दे रही है। सेकंड पॉइंट आइए कठोरता। कठोरता में आपके दो पॉइंट बनते हैं इसके, यहाँ पर इसमें भी होता है एक कठोर और दूसरा कोमल। अब ये कठोरता के आधार पर भी आपका यही है कि कठोरता के आधार पर है पदार्थ या तो कठोर होंगे या मुलायम होंगे। अब कठोर में जैसे पदार्थ आपके बहुत सारे होते हैं तो जनरली हम मानते हैं कि ठोस है, ठीक है। और कोमल अगर होते हैं तो आप कोमल में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पर ठोस में जैसे धातु आ जाता है, यहाँ पर जैसे द्रव हुआ गैस आ जाए, और ये क्या है आधार। ये आपका है तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से आप यहाँ पर ये बोर्ड पर से उतारते हुए भी चले ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो ये देख लें, अब आकार कठोरता, तो आकार में आपका हो गया गोल चौकोर त्रिभुजाकार, दूसरा आपका हो गया वे कि आकार में जैसे छोटी है या बड़ी। कठोरता, कठोरता के अंदर जैसे आप ये बता सकते हैं कि कोई भी वस्तु कठोर कितनी है, यानी छूने पर आप अनुभव कर पाओगे कठोरता का, तो कोई भी वस्तु छूने पर कैसी दिख, मतलब है कठोर है या नहीं है, कोमल है या नहीं है। तो कठोर है अगर वस्तु तो आपकी वस्तु वो क्या होगी, ठोस होगी, और अगर कोमल है तो वो वस्तु क्या होगी, द्रव या गैस होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये करेंगे, कोमल होगी तो द्रव या गैस, और ठोस होगी ना तो वो वस्तु और धातु होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यानी कि पदार्थ के हम यहाँ पर दो रूप भी देखते हैं, धातु और अधातु। तो अगर ठोस होगी तो वो धातु होगा, और अगर मुलायम होगी यानी तो वो द्रव या गैस है, कोमल यानी वही मुलायम, और वो क्या कहलाएगा, अधातु। इसी तरह से विलयता की बात करें तो विलयता में आपका जैसे आ जाएगा यहाँ पर आपका विलय और आवरण। ठीक है, अब ये भी आपकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। विलयता में जैसे आपका पॉइंट आ जाएगा विलय, एक आपका रूप आ जाएगा विलय और दूसरा आ जाएगा अविलय। विलय का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में अच्छी तरह से घुल जाए, मिल जाए, घुलनशील हो जाए, तो वो आपका पदार्थ हो जाएगा विलय, उसका गुणधर्म हो जाएगा विलयता। और अविलय का मतलब होता है कि जब वो पदार्थ किसी जल में या किसी द्रव में घुलनशील ना हो, मतलब मिला हुआ ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप जो है विलय और अविलय को अलग अलग समझाएंगे। विलय में जैसे मैं बताऊँ आपको बेटा, जल में चीनी पूरी तरह से घुल जाती है, और अविलय जैसे आप ऐसा मान सकते हो अविलय जैसे जल में मिट्टी, तो दोनों का अलग अलग एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं विलय में कि जैसे जल में चीनी, और अविलय में लिख सकते हो जैसे जल में मिट्टी, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। जल में डूबना व तैरना, जल में डूबना व तैरने में आप इसके अंदर लिख सकते हैं जैसे कुछ वस्तुएं या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से जल में डूब जाते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में तैरते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, जैसे कुछ पदार्थ जो जल में डूबते हैं वो आखिर क्यों डूबते हैं, तो आप बता सकते हैं उनका भार पानी के भार से अधिक हो जाता है। उनका भार जब पानी के भार से अधिक हो जाएगा, या कह सकते हो
कि उनका द्रव्यमान, ऐसे भी बता सकते हैं यहाँ पर द्रव्यमान को बता के, कि पानी के द्रव्यमान से जब अधिक हो जाएगा भार या द्रव्यमान, जो भी आप यहाँ पर व्यक्त करें, तो उस कंडीशन पे, वैसे यहाँ पर भार को व्यक्त करते हैं जब भी डूबना या तैरने की बात करते हैं, तो पानी के भार से अधिक हो जाएगा तो वो धीरे 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 वो वस्तु नीचे की ओर आने लगेगी। आपको पता है कि कोई भी वस्तु अगर भारी हो जाती है तो वो नीचे की ओर आने लगती है, और जब नीचे की ओर आने लगती है तो वो सीधे सीधे कुछ समय के पश्चात वो डूबने की स्थिति में आ जाएगी, वो डूबने लगेगी। और जब कोई वस्तु हल्की होती है तो वो ऊपर तैरने की अवस्था में होती है, वो ऊपर तैरती रहती है। तो सतह पर तैरने का मतलब है कि वो वस्तु पानी के भार से, उस वस्तु का भार कम है, तभी तो वो पानी की सतह पर तैर रही है। तो इसमें आप ये बात लिखोगे, तो अभी आप किस तरह से लिखोगे ये वीडियो आपको सुन के खुद लिखना है, क्योंकि सारी बातें बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है। आप जैसा मैं समझाती हूँ आप वैसे ही नोट SW में करके दे देते हो। मैं यहाँ पर आपको पॉइंट और हेडिंग समझा रही हूँ, तो जो आपको वीडियो सुन के समझा रही हूँ उसे लिखना चाहिए। आप जो है एज इट इज़ बुक का, ये बोर्ड का उतार के दे देते हैं SW, तो इससे क्या मतलब। मैंने जो आपने वीडियो जो सुना है, जिसका उदाहरण लिया मैंने, क्या क्या आपको समझा रही हूँ मैं, कैसे कैसे, वो सारी बातें आपको लिखनी है। अब वो कैच करके आप कितनी लिखते हैं यही देखना है, तो ये आप लिखेंगे। एंड लास्ट पॉइंट आपका है जो, वो है पारदर्शिता। इसमें आती है आपकी वस्तुएं दो प्रकार की, एक होती है इसमें पारदर्शी और दूसरी होती है अपारदर्शी। तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं पारदर्शी और दूसरी आपकी अपारदर्शी। अब पारदर्शी का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है। पारदर्शी का मतलब होता है कि जैसे हम आर पार उस वस्तु के हम देख सकें, वो वस्तु ऐसी हो जिसके आर पार हम देख सकें। और अपारदर्शी का मतलब होता है जैसे हम उस वस्तु के आर पार नहीं देख पाए। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसी तरह से अगर आपको और भी इसमें डिटेल जानना है तो मैं इसमें आपको और बता रही हूँ पॉइंट, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक होता है जैसे कुछ आर पार दिखने, यानी कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है आपको, तो वो आपका होता है पारभासी। तो इस तरीके से तीन हो गए इसमें रूप पारभासी। पारभासी में ऐसा होता है कि पूरी तरह से साफ नहीं दिखता, कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, तो ये आपका हो गया पारभासी। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपका कंप्लीट हुआ। तो ये इतने पॉइंट आपको पढ़ने हैं, यानी आपके पदार्थों के गुण में ये आपके एक एक स्टेप। अभी तो और भी है, अभी तो और आपको है आपके लेसन में, और भी गुणधर्मों की चर्चा है, लेकिन आप जो है इसमें गुणधर्मों की चर्चा को एक एक करके जानेंगे समझेंगे। अब जो है इस एक बार फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ मैं, तो आप एक बार ढंग से फिर से देख लें। तो देखें एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे आपका फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से फिर से सुनिएगा। आपका लेसन का नाम है पदार्थों के गुण। इसके अंदर आप जो है पदार्थों के गुणों के बारे में समझेंगे, जानेंगे। पदार्थों के गुण यहाँ पर मैंने अभी इस लेक्चर में 5 लिखे हैं, अभी आपके और भी हैं 2-3, वो आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका इस पर चर्चा करूँगी। तो ये 5 जो गुणधर्म हैं, इस पर मैंने एक एक करके उनका विस्तारित रूप समझाया और उनके उदाहरण बताए। जैसे आपका पहला पॉइंट आपका है आकार। आकार का मतलब होता है कि वस्तु कैसी दिखाई देती है, देखने में कैसी होती है। आकार की बात करोगे अगर आप गुणधर्म में, तो आकार में आ ही जाता है कि दिखावट में कैसी होती है, देखने में कैसी होती है। तो देखने में कैसी होती है, तो इसका मतलब कि आपका कैसी होगी, वो गोल, चौकोर या त्रिभुजाकार। अब दूसरा रूप ये भी होता है कि आपका आकार में वो आपको बड़ी दिखाई दे और छोटी दिखाई दे। जैसे आपको एक तो आप उसका यानी शेप बता सकते हैं, है ना, कि गोल है, चौकोर है, त्रिभुजाकार है, या आप बता सकते हैं बड़ी या छोटी है। तो बड़ी या छोटी तो आप घेरे के हिसाब से बता दोगे, देख के, जैसे सामने से दिख रहा होगा कि ये बड़ा है कितना और ये कितना छोटा है।
तो और आप इसमें बता दोगे कि आपको ये वस्तु कैसे गोल दिख रही है या उसका शेप कैसा दिख रहा है, चौकोर है, त्रिभुजाकार है, कैसे? अच्छा, सेकंड पॉइंट है आपका कठोरता। कठोरता के अंदर आपका आता है कि कैसे वस्तुएं आपको छूने पर अनुभव करते हैं। ये तो हो गया आपके देखने के ऊपर, और ये आपके हो गई कठोरता का मतलब हो गया छूने का अनुभव। तो छूने का अनुभव ये तभी हो सकता है ना जब आप छू किसी भी वस्तु को। तो किसी भी वस्तु को छूने का मतलब है कि आप अनुभव करके बता रहे हो कि वो वस्तु क्या है। तो उसके अंदर आप लिखोगे कठोर या कोमल, दो पॉइंट आएंगे, कठोर या कोमल, या आप मुलायम भी लिख सकते हैं। तो कठोर या मुलायम भी लिख सकते हैं। कठोर के अंतर्गत मैंने लिखा है कि आपकी अवस्था ठोस आती है अधिकतर। तो ठोस अवस्था आती है तो हम उसको हम ये देते हैं पदार्थ का गुण धातु, वो धातु की श्रेणी में आता है अगर वो ठोस है। तो ये चीज़ आप याद रखना। और अगर कोमल या मुलायम है तो वो आपकी किस अवस्था को दर्शाता है, जनरली द्रव व गैस को। और गोल आपकी जो प्रकार होता है वो किस, यानी किसकी श्रेणी के अंतर्गत आता है, अधातु की। यानी द्रव व गैस जो होते हैं वो अधातु की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह से यानी कि आपने कठोर और कोमल दोनों को आपने क्लियर कर दिया, दोनों को आपने बता दिया कि ठोस, द्रव और गैस में कैसे कैसे उनको हम उनकी अवस्था को देखते हैं और अवस्था के आधार पर हम उनको किस श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद आपका आता है विलयता, तीसरा पॉइंट। विलयता के अंदर आपको ये बताना होता है कि पदार्थ जो है विलय है या किसी अन्य पदार्थ में, या किसी अन्य पदार्थ में वो अविलय है। अगर विलय है तो मतलब वो जो पदार्थ जल में घुलनशील होगा वो तो विलय होगा, पूरी तरह से घुलनशील होगा, और जो पदार्थ जल में पूरी तरह से घुलनशील नहीं होगा वो अविलय होगा। अगर पूरी तरह से घुलनशील है तो आप उदाहरण दे सकते हैं कि जल में चीनी या नमक का घोल, वो जल में पूरी तरह से अच्छे से घुल जाते हैं तो वो कहलाएंगे विलय पदार्थ। और जैसे जल में मिट्टी, वो आपका कहलाएगा अविलय। तो यानी कि अगर जल में मिट्टी है तो वो आपका पदार्थ कहलाएगा अविलय। अविलय पदार्थ का मतलब होता है कि वो पूरी तरह से कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुलनशील ना हो। तो विलयता गुणधर्म पे आप ये चर्चा करोगे। फिर फोर्थ पॉइंट है आपका जल में डूबना व तैरना। अब जल में डूबना व तैरना में मैंने आपको बताया था कुछ वस्तुएं या पदार्थ ऐसी होती हैं जो जल में पूर्णतः डूब जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। अब वो जल में जो पूर्णतः डूब जाती हैं उनमें आपको बताया था कि जल में जो पूर्णतः डूब जाती हैं वो आपकी इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया था, उदाहरण ले लो कि उनका भार पानी के भार से जब अधिक हो जाएगा तो वो जल में डूब जाएंगे। और तैरेंगे कब, जब उनका भार पानी के भार से कम रहेगा तो वो पानी की सतह पर तैरेंगी। एक और आप लिख सकते हो कि जो वस्तुएं भारी होती हैं वो तो पानी में डूब जाती हैं, और जो वस्तुएं भार में कम होती हैं वो पानी में तैरती रहती हैं। इसी तरह से आपका लास्ट पॉइंट है पारदर्शिता, यानी कि वस्तुओं को हम किस प्रकार से हम उनके इस गुणधर्म को बताते हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं पारदर्शिता में कि इसमें इसके अंतर्गत दो स्थितियाँ आती हैं या दो तरह की वस्तुएँ आती हैं, पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है कि हम कोई ऐसी वस्तुएँ जिनके आर पार देख सकें उन्हें हम कहते हैं पारदर्शी, और ऐसी वस्तुएँ जिनके आर पार हम देख नहीं सके उन्हें हम कहते हैं अपारदर्शी। तो इस तरीके से आपकी ये श्रेणी हो गई। तो पारदर्शी और अपारदर्शी में आप जो है ये अंतर आप बता सकते हैं कि वो वस्तु आर पार में कैसे दिखती है या नहीं दिखती। कभी कभी धुंधली भी दिखाई देती, उसे कहते हैं पारभासी। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे का। ओके, बाय।